अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू एंड प्लस इसका जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी और इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो करके दिखाऊंगी। ये क्या है, ये एक बेबी के लिए बैग जो है ना वो मैंने ऑर्डर किया था, जो कि इजी हो आपके लिए इसको कैरी करना। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हूँ इस चीज़ से कि आप हर चीज़ आपको कबर्ड से लेनी है, उठ के जाना है, आना है। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि मेरे हर वक्त पास हो और उसको ट्रैवलिंग के लिए भी मैं यूज़ कर सकूं, और इस तरह की कोई चीज़ मुझे चाहिए थी। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी। तो मैंने ये कहाँ से ली, कितने की है, ये भी आपको डिटेल बताऊंगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा आलिया आलिया डॉट ऑफिशियल के नाम से। अच्छा जी, ये जो बैग है ना इसको आप सिंपल भी रख सकते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर अगर आप कुछ ना लगाएं, आप सिंपल रखना चाहें, ये देखें, इसको सिंपल रहने दे सकते हैं। इसके अंदर आप जो चीज़ें रखना चाहें, डायपर वगैरह, दूध का डिब्बा रखना हो, पानी वाली बोतल रखनी हो, डिफरेंट चीज़ें आप रख सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते तो ये पोर्शन बना सकते हैं आप इस तरीके से। इन्होंने ये दो चीज़ें साथ दी हुई हैं, इसको आपको सिंपली क्या करना है, अटैच करना है जो जगह बनी हुई है, जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसके साथ आपने कर देना है इसको अटैच। सिंपल एक चीज़ ये हो गई कि आप इसको खाली रहने दें। दूसरी ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ इस सेंटर में लगा लें और दोनों साइडों को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूं भी यूज़ नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन है आपके पास, आप थर्ड वाला जो है ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि इसको भी आप अटैच कर दें। तो इसके इस तरह से आपके पास कितने ज़्यादा स्पेस बन जाएगी, 1 2 3, इस साइड पे आप इसको अच्छी तरह से फिट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं और काफ़ी मजबूती से ये लग जाएगा। और इस तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। और इसके अंदर जो बाहर वाली साइड पे भी पॉकेट्स हैं, बहुत अच्छा ये मुझे बैग लगा और इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसकी जो बाहर वाली जगह है ना, मज़े की बात यह है कि अंदर भी काफ़ी स्पेस है और बाहर भी है। यहाँ पे आप कॉटन बड्स, इवन बच्चों के जो नेल कटर है वो रख सकते हैं, अपने लिए कोई चीज़ रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह रखना हो वो रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस है और बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़े की चीज़ें मुझे लगी। बार बार उठ के नहीं जाना पड़ता। आप ट्रैवलिंग के लिए आप इसको अपने गाड़ी में रख सकते हैं, या आप रूम में हैं तो अपने साइड टेबल पे रख सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे वाला अगर आप कोई सिस्टम है पोर्शन का तो आप वहाँ पे इसको लेके जा सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुझे ये जो है ना बेस्ट चीज़ ये मुझे लगी है। और ये मैंने लिया था एक पेज, आप लोगों को बता दे तो मैंने एक वेबसाइट से लिया था, उसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट अब ये आप लोगों को डिफरेंट पेजेस पे भी इंस्टाग्राम पे नज़र आएंगे। तो डाइपर कैडी के नाम से ये आपको मिलेगा, और ड्रीम एक पेज मैं देख रही थी, ड्रीम डिपोट डॉट पीके के नाम से। यार एग्जैक्ट ना मैं मेंशन कर दूंगी ऊपर भी और इंस्टाग्राम में भी, कोशिश करूंगी वहां मैं डाल दूं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, आप पैम्पर रख लें, अपना दूध का डिब्बा रख लें। यहाँ पे मैं सेटिंग करके देख रही थी कि किस तरीके से इसको आप मैं इजीली एडजस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम ही आप लोगों के सामने मैंने ओपन किया और फर्स्ट टाइम ही मैं ये चीज़ें रख रही थी। बट अभी तो इसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैं डिफरेंट चीज़ें तरीके से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं कपड़े वगैरह भी रख रही हूँ, मेडिसिन वगैरह हर चीज़। तो काफ़ी मेरे लिए ना ये अच्छा और बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैं एक साइड पे आप, अगर आपके दो बेबी हैं, दोनों को ही आप डायपर यूज़ करवा रहे हैं तो आप दोनों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आप बच्चे की जो मेडिसिन है वो रख सकते हैं, दूध का डिब्बा रख सकते हैं, पानी वाली बोतल रख सकते हैं, और आप चाहें तो एक आध जो सूट है ना वो भी रख सकते हैं। बच्चे के जो डायपर है ना वो तो एक ही में अगर आप एडजस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये था जी एक कंप्लीट इसका रिव्यू छोटा सा जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये मैंने 27 आई थिंक ऑलमोस्ट डिलीवरी चार्जेस वगैरह डाल के 3000 की रेंज में ये मुझे मिला है। तो बस जी, इस तरह से इस बैग को अपनी मर्ज़ी से सेट करें और कहीं भी आप लेके जाएं, जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद अगर आप इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो कि बच्चों का फूड हो गया, बच्चों की डिफरेंट वीडियोज़ हो गई, तो उसके लिए आप मेरा जो दूसरा चैनल है लाइफ स्टाइल विद किड्स के नाम से उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।